नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं दिनांक 9 अगस्त का बेहद खास कार्यक्रम शुभ जन्मदिन स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। शुभकामनाएं हमारे उन सभी मित्रों को जो आज पैदा हुए हैं, मतलब आज ही नहीं किसी और साल में, आज की तारीख में, तारीख डेट दिनांक, तो आज है 9 अगस्त। किसी भी वर्ष के 9 अगस्त को अगर आप जन्म पाए हैं तो ये कार्यक्रम आपके चरणों में मेरी तरफ से समर्पण है, समर्पित है। बहुत बड़ी शक्ति आप प्राप्त किए हैं। नौवीं और दसवीं दो दो तिथियां हैं आज। 9:59 सुबह तक नौवीं है, श्रावण शुक्ल, और उसके बाद दसवीं। ऐसे में जो वर्षफल तैयार होता है वो दोहरा लाभ देने वाला होता है। एक दिन को दो दो तिथियों का स्वामित्व मिल जाए, लॉजिक है कि नहीं? तो आइए बताते हैं सबसे पहले आपकी शिक्षा। अगर आप 9 अगस्त को पैदा हुए हैं तो ये पूरा साल आपकी पढ़ाई के लिए यादगार बनने जा रहा है। खूब मन लगेगा पढ़ने में, चीजें बहुत सहज और सुगम रहेंगी, अच्छे टीचर्स मिल जाएंगे, अच्छी जगह एडमिशन हो जाएगा, एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। 2020 लगते लगते थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं, तो उस दौरान कुछ गंभीर समस्याएं, मसले उजागर हो सकते हैं। बिजनेस, इस साल आने वाले पूरे वर्ष में व्यापार आपका जूम करके उठेगा, यह आपके लिए बहुत उम्दा एक वक्त होगा जो आपको मजबूत बनाएगा। कुछ परिस्थितियां आपके लिए बहुत नगण्य बन सकती हैं, उस पर आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। बिजनेस में लोन लेना भारी पड़ेगा, कर्ज की स्थिति मार्च के बाद बहुत तेजी से बढ़ेगी। कोई जमीन के विवाद में भी आप सितंबर अक्टूबर में उलझ सकते हैं। दिनांक 9 अगस्त को पैदा हुए लोगों के लिए इस वर्ष मन स्थिति कुछ खराब हो सकती है, जिसको लेकर के आपके मन में कुछ विचलन की स्थिति आएगी। दिनांक 9 अगस्त आपका शुभ जन्मदिन, प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा उछाल आएगा, नई नौकरियां आपको प्राप्त होंगी, नौकरी में आ रही बाधाओं से आप बाहर निकलेंगे। नई नौकरियों में आप सितंबर भी ट्राई कर सकते हैं, दिसंबर में करिए, और फिर मार्च के बाद और जून जुलाई में। बॉस के साथ कुछ नोकझोंक की स्थिति दिसंबर लास्ट में हो सकती है। फरवरी के मिड में कोई आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर सकता है, किसी तरह के षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। दिनांक 9 अगस्त को अगर आपका जन्म है तो गवर्नमेंट सेक्टर में प्रमोशन अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या मार्च के लास्ट में संभव है। ट्रांसफर के योग मिड में संभव है। कौन से मिड में? पूरे साल के मिड में, लगभग दिसंबर जनवरी में। बॉस प्रसन्न रहेगा, कुछ सरकारी यात्राएं आपकी होंगी, यात्राओं का लाभ मिलेगा। मकान बदलने के संकेत दिसंबर में हैं और जून में है, देख लीजिएगा बच्चों की शिक्षा वगैरह साथ में। दिनांक 9 अगस्त को पैदा हुए लोगों के लिए दांपत्य जीवन नई बहार लेकर आएगा। नए मेहमान का आगमन दिसंबर में है, मार्च में है, जुलाई में है। घर में शहनाई बजने के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं,
दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा, कहीं से कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा अक्टूबर और फरवरी में देख लीजिएगा, कुछ ससुराल वालों का हस्तक्षेप दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगा। लव लाइफ बहुत स्मूथ है, लव लाइफ में कोई समस्या मेजर नहीं रहेगी जिसको लेके कुछ ज़्यादा परेशान हुआ जाए। लव लाइफ में बल्कि बहुत सारी बाधाओं से आप बाहर निकलेंगे। स्वास्थ्य के मामले में आँख और हड्डियों की दिक्कत ज़्यादा परेशान करेगी। उपाय के तौर पर काले उड़द की खिचड़ी किसी ज़रूरतमंद को खिला दीजिएगा और दो नीम के पौधे कहीं लगा दीजिएगा। आज भैया अगर आपके शादी की सालगिरह है तो बधाई के साथ उपाय आपके स्क्रीन पर है, एक माला गायत्री मंत्र का पाठ किसी मतलब पाठ करके किसी महिला को कुछ वस्त्र दे दीजिएगा। शुक्रिया, आशीर्वाद आप सबका, हमारा आशीर्वाद आप सबको, खूब फले फूलें, आप लोग प्रसन्न रहें। जन्मदिन की एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद। फिलहाल हमें अनुमति दीजिएगा, अभी लगातार आप हमसे गाज़ियाबाद मिल सकते हैं, बाहर से हैं या दिल्ली NCR से हैं तो हम गाज़ियाबाद में उपलब्ध रहेंगे 13 तारीख तक। नमस्कार, श्री राधे।